पीईटी में करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए टैग वर्ड्स को यूज करने की सीरीज चल रही है। इस पार्ट में टीचर पर फोकस करेंगे कि टीचर के रिगार्डिंग टीईटी के प्रीवियस पेपर में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पोजीशन पेपर्स और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कौन कौन से वर्ड्स फ्रेज या एक्टिविटीज या रोल टीचर का फेवर किया गया है। सो इनको आप अपनी नोटबुक पर कॉपी करके हाईलाइट करके समझ सकते हो, करेक्ट आंसर के तरफ बढ़ सकते हो। यहां कोई डिफिकल्ट टर्म होगी उसको एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी बढ़ाऊंगा, दैट इज वाई थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाती है। फर्स्ट है हमारे पास कि टीचर एक्टिव है। बड़ी अजीब बात है कि लर्नर के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लर्नर एक्टिव, लर्नर लिटिल साइंटिस्ट, लर्नर कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज, लेकिन टीचर की अगर बात की जाती है क्या उसने पैसिव हो जाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो जाना। टीचर एक्टिव ही राइट आंसर होगा। सिर्फ एक फर्क है कि टीचर का रोल बदल गया है। जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क या पॉलिसी या लर्निंग थ्योरीज जिनका एनालिसिस इस वीडियो में कर रहे हैं उसमें रोल बदल गया है। उस रोल में वो एक्टिव ही रहेगा, फैसिलिटेटर रहेगा और आगे चल के ये वर्ड आएंगे भी, को लर्नर रहेगा, है ना। तो लेकिन वो एक्टिव ही है, एक्टिव रहेगा। जब पैसिव है तो वो रॉन्ग आंसर होगा, जब वो साइलेंट है तो रॉन्ग आंसर होगा, जब वो सिर्फ लिसनर है तो रॉन्ग आंसर होगा। हाँ, ये वर्ड है साथ में लिखे हुए कि टीचर का एक्टिव रोल क्या है, फैसिलिटेटर। कंस्ट्रक्टिविस्ट फिलोसफी या इज्म इसको प्रेफर करता है। को लर्नर, जब बच्चा लर्न कर रहा है तो वो ग्रुप में, छोटे ग्रुप में साथ साथ में खुद भी लर्न कर रहा है और उसका एक एक, एक तरह से पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वर की तरह काम कर रहा है। अच्छा, कोऑपरेटिव डिजाइनर है, जो लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को डिजाइन करना है, लर्निंग मटेरियल को डिजाइन करना है, वो कोऑपरेटिव खुद ही नहीं करेगा, टीचर्स दूसरे टीचर की हेल्प भी लेगा, कुलीग की हेल्प लेगा और अपने जो स्टूडेंट हैं उनकी हेल्प लेगा। लिसनिंग है, इफेक्टिव होगी, जेन्युइननेस, अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जहां भी ये आता है तो राइट आंसर की तरफ बढ़ना है। रिस्पेक्ट, बच्चों सभी को दोगा, इसका संबंध इंक्लूसिव एजुकेशन से है। इंटेलिजेंस एंड स्किल इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो वाइगोत्स्की की थ्योरी है, कोऑपरेटिव लर्निंग है, ग्रुप लर्निंग है, उनमें से लिया गया है कि टीचर के पास ये स्किल चाहिए, दैट इज वाई वो अपने ग्रुप लर्निंग में, जो कोऑपरेटिव लर्निंग में छोटे छोटे ग्रुप बनाने हैं उनकी डेमोस्ट्रेशन वो दे सकता है कि कैसे कम्युनिकेशन करना होना चाहिए। आप ग्रुप में भी वैसे कम्युनिकेशन करोगे उस तरीके से अगर उसके पास स्किल है, दैट इज वाई ये स्किल होनी लाजमी मानी जाती है। हिंदी में है, शिक्षक सक्रिय है, सूत्रधार है, सह शिक्षार्थी है, सहकारी डिजाइनर है, प्रभावी सुनना है, वास्तविकता है, उसकी समझ में वास्तविकता है, पारस्परिक संचार में सम्मान, बुद्धित्व और कौशल, ये बात इंग्लिश में कराए हैं। और जो गलत आंसर होंगे, निष्क्रिय रहता है, मौन रहता है, सिर्फ श्रोता रहता है, तो ये टीचर के रोल के आंसर मोस्ट प्रोबेबली गलत होंगे। कंस्ट्रक्टिविज्म या सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में और नेशनल पॉलिसी में टीचर को फ्लेक्सिबल रहने के लिए कहा गया, चेंजेबल रहने के लिए कहा है, रिजिड नहीं, रूल बेस्ड ऐसे नहीं रहना, वो बच्चे की नीड के, लर्निंग नीड के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार, क्लासरूम चेंजिंग एनवायरमेंट के अनुसार चेंज होगा। अच्छा, ऑप्शन गिवर है, सभी बच्चों को एक प्रोजेक्ट, एक असाइनमेंट, सभी ने वो करके आनी है, ऐसे नहीं होगा। वो है एक असाइनमेंट ये है, दो असाइनमेंट ये है, तीन असाइनमेंट ये है, बच्चों इसमें से आप असाइनमेंट या प्रोजेक्ट अपने नीड के, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली चुन सकते हो। सो ऑप्शन गिवर है, विकल्प देने वाला, लचीला, दोनों ठीक होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी, दूसरी टर्म है थ्योरी ऑफ, इंक्रीमेंटल थ्योरी। टीचर को किस में विश्वास रखना है? एक थ्योरी इंक्रीमेंटल थ्योरी है, दूसरी एंटिटी व्यू ऑफ एबिलिटी है, जहां एंटिटी थ्योरी है,
ये जो अनसर्कल किए हैं इंपॉर्टेंट है, ये वो इंक्रीमेंटल थ्योरी ऐसे बच्चे या ऐसे लर्नर जो ये विश्वास करते हैं कि वो अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज को एफर्ट्स करके बढ़ा सकते हैं। याद रखने का तरीका है इंक्रीमेंटल मीन इंक्रीज कर सकते हैं, आई फॉर इंक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीमेंटल इंक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं क्या कॉग्निटिव एबिलिटीज, फॉर एग्जाम्पल के रीडिंग एबिलिटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, क्रिएटिविटी है, इंटेलिजेंस तक की बात इस थ्योरी में की जाती है। अगर ऐसा विश्वास टीचर जगाता है तो टीचर का खुद का विश्वास इस थ्योरी में है, इट मींस वो पॉजिटिव है और वो सोच सकता है कि हर बच्चा जो है एक क्रिटिकल थिंकिंग क्रिएटिव थिंकर और उसकी डिफरेंट फील्ड में कॉग्निटिव एबिलिटी इंक्रीज की जा सकती है, तो वो राइट आंसर। इसके विरुद्ध गलत क्या होगा? अगर ये दो ऑप्शन आती है पॉजिटिव स्टेम है तो यही सही आंसर होगा। हाँ, इसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी करवाता हूं आके, उसमें से भी पूछा जा सकता है कि अगर बच्चे या टीचर में ये करेक्टरिस्टिक है, बिलीव के जो एबिलिटी है, जो कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं, क्रिएटिविटी है, इंटेलिजेंस है, ऐसी एबिलिटी है, वो फिक्स्ड है, अनचेंजेबल है, अगर ये विश्वास है, तो ये विश्वास क्या करता है कि बच्चे को आगे बढ़ने नहीं देता, बच्चे को वहीं रखता है या डाउनवर्ड लेके जाता है। दैट इज वाई ये गलत होगा ऑप्शन। हिंदी में इसका नाम क्या है? वृद्धिशील दृष्टिकोण, ओके, वृद्धिशील सिद्धांत। दूसरी तरफ जो गलत है, इकाई दृष्टिकोण या इकाई सिद्धांत, ये गलत होगा। अच्छा, ये ऑप्शन आगे से पूछे जा सकते हैं। अच्छा, इंक्रीमेंटल थ्योरी में विश्वास रखने वाला लर्निंग पर ज्यादा फोकस करता है और जो एंटिटी थ्योरी में विश्वास रखना है वो लुक स्मार्ट पर ज्यादा विश्वास रखता है। दो ये पॉइंट अंडरस्टैंड कर लेने चाहिए। रिस्पॉन्स टू चैलेंज, अगर जो टास्क है, फॉर एग्जाम्पल टास्क जो है एक बहुत डिफिकल्ट है, एक एवरेज है, एक लोअर है, जो एवरेज से ऊपर ये टास्क होता है ये चैलेंजिंग टास्क होता है, तो ऐसे टास्क की जिसका डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट या उससे ज़्यादा है उसके लिए जो इंक्रीमेंटल थ्योरी में विश्वास करने वाले हैं वो चैलेंजिंग टास्क में मेहनत करते हैं, वर्क हार्ड करते हैं, लेकिन जो एंटिटी थ्योरी में विश्वास रखते हैं वो गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं काम को कि ये डिफिकल्ट है, इसको छोड़ दिया जाए। आप टेट को भी की भी एग्जांपल ले सकते हैं, दो तीन बार जो बच्चे फेल हुए हैं वो अगर इंक्रीमेंटल थ्योरी में विश्वास रखते हैं तो वो आगे से मेहनत करते रहेंगे, हार्डवर्क करते रहेंगे, लेकिन जो एंटिटी थ्योरी में विश्वास रखते हैं वो कहते हैं नहीं क्लियर होगा, इसको छोड़ दिए। अच्छा, अगला है कि एडवर्स कंडीशन में उनके एफर्ट्स जो हैं इंक्रीज होते हैं, लेकिन इनके एफर्ट्स जो हैं डिक्रीज होते हैं या रिमेन लो, नीचे लेवल के ही एफर्ट्स रहते हैं। इंक्रीमेंटल थ्योरी के विश्वास से बच्चा मेहनत करता है और नेगेटिव या चैलेंजिंग या हार्ड सर्कमस्टांसेस में मेहनत ज्यादा करता है। ये एक तरह से परसेवरेंस या कंसिस्टेंसी का जो कंसेप्ट है वो है ना, राजा पोरस की कहानी के जब वो हार के गुफा में चले गए थे और मकड़ी के जाले को, मकड़ी को देखा कि बार बार गिरती है, बार बार ऊपर उठती है, उससे उन्होंने फिर सबक लिया था और फिर युद्ध की तैयारी या युद्ध के लिए कूद पड़े थे। तो ऐसे ही है जो आप लर्निंग टास्क है इंक्रीमेंटल थ्योरी वाला, जो हारने या चैलेंजिंग टास्क के बाद फिर कोशिश करता रहता है, तो ये राइट आंसर होगा। सो ग्रोथ माइंडसेट इंक्रीमेंटल थ्योरी है, जो फिक्स्ड माइंडसेट है वो एंटिटी थ्योरी है, ये राइट आंसर होगा, ये रॉन्ग आंसर। अगला टीचर का रोल क्या है कि उसने रिकग्नाइज करना है बच्चों की एबिलिटीज को, बच्चों के टैलेंट को आइडेंटिफाई करना है, बच्चों के टैलेंट को फोस्टर करना है, इंक्रीज करना है, जो पीछे बात करके आए हैं एफर्ट करने हैं कि और डेवलप हों, द यूनिक कैपेबिलिटीज ऑफ ईच, ये अंडरलाइन किया है, ईच जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन बना देता है, मान्यता देना है, पहचान करना है, प्रत्येक छात्र की अनूठी क्षमताओं को बढ़ावा देना है, ये राइट आंसर होगा। पीछे भी बात हुई है कि टीचर को लर्नर होगा, ये बार बार रिपीट होता है इसलिए बार बार यहां भी रिपीट हो रहा है, आपको याद भी हो जाएगा। अच्छा, टीचर को लर्नर होगा, हेल्प द स्टूडेंट्स टू कंस्ट्रक्ट, यहां भी कंस्ट्रक्ट आता है राइट आंसर की
के लिए अटैक करना है, लेकिन रीजनिंग साथ में अप्लाई करनी है। क्या करना है, कंस्ट्रक्ट मीनिंग, दूसरा वर्ड मीनिंग है, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है वो जरूरी है कि मीनिंग बनाया जाता है या मीनिंग प्रोवाइड किया जाता है। अगर मीनिंग प्रोवाइड किया जाता है, जैसे टीचर है, रेडीमेड नॉलेज जो है वो बच्चों को सीधी रेडीमेड दे रहा है, तो यहां पर वो मिलके बना रहे हैं। अगर ये ऐसे एरो इसको दो तरफ कर दिया जाए, ये मिलके और कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट, ये ऐसे ही है जैसे आप कपड़ा लेके मिलके उसको स्टिचिंग करके पूरी शर्ट बनाते हो ना। तो इधर क्या है, इधर प्रोवाइड करना कि रेडीमेड शर्ट बच्चे को पेरेंट्स ने या टीचर ने लेके दे दी, वो वन वे प्रोसेस वाला गलत होगा, टू वे प्रोसेस वाला, कंस्ट्रक्शन वाला, कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनिंग वाला ठीक होगा। तो यहां पर लिखा हुआ है रेदर देन प्रोवाइड द मीनिंग। प्रमोट सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल बहुत जरूरी है। प्रमोट जब आता है शब्द, ये अपने आप ठीक कर देता है। प्रोवाइड है कि प्रमोट क्या करना चाहिए, पॉजिटिविटी को प्रमोट करना है। यहां पर सोशल स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है, राइट आंसर होगा। लर्न टू लर्न, वैसे हार्लो की थ्योरी थी, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बार बार ये शब्द यूज किया गया है, इसको इंपॉर्टेंटली अंडरलाइन करके लिख लीजिए। कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग रिपीट हो रही है, एंड सिस्टम्स ऑफ मीनिंग, सिस्टम्स ऑफ मीनिंग आपने कहाँ जोर देना है, कंस्ट्रक्शन पर, मीनिंग पर। सिस्टम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको राइट आंसर ही लिखना है। स्टूडेंट्स डोंट लर्न इन आइसोलेटेड फैक्ट एंड थ्योरीज सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ अवर लाइफ। इट मींस ये विश्वास करना है कि लाइफ के साथ ही जो नॉलेज है, लाइफ है, ये रही नॉलेज और ये रही लाइफ, है ना, इसको साथ में जोड़ के ही देना है। अच्छा, जॉन डीवी की कोटेशन हमेशा याद रखनी है कि एजुकेशन इज लाइफ इन इटसेल्फ, एजुकेशन ही लाइफ है। एजुकेशन ऐसी चीज नहीं है कि लाइफ के लिए बच्चों को तैयार करना है, एजुकेशन ही लाइफ है। तो ऐसे मान के जब चलते हैं, क्योंकि प्रोग्रेसिव एजुकेशन के फादर हैं जॉन डेवी, तो यहां पर उन्हीं की ये जो कोटेशन की इम्प्लीकेशन है, यहां ये भी राइट आंसर हिंदी में है, सह शिक्षार्थी है, छात्रों को अर्थ प्रदान करने की बजाय, अर्थ प्रदान करना गलत होगा, करने की बजाय अर्थ निर्माण, निर्माण इज वेरी इंपॉर्टेंट, करने में मदद करता है, मदद, हेल्प, वाइगोत्स्की, है ना, सोशो कल्चरल थ्योरी। तो यहां पर शिक्षक दाता है, नहीं, दाता नहीं है, बनाता है, मेकिंग वाला है, बनाना है, अर्थ प्रदान करता है, ये गलत होगा, दाता बिल्कुल गलत होगा, बनी बनाई चीज नहीं देनी, मिलके बनानी है। सामाजिक और संचार कौशलों को बढ़ावा देना, बढ़ावा देना पॉजिटिव है, और पॉजिटिव चीज को पीछे बात करके हैं, सिखाना सीखो, हाँ, लर्निंग टू लर्न, हार्लो थ्योरी, अर्थ और अर्थ की प्रणाली का निर्माण, फिर ये राइट आंसर। छात्र अलग 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 तक तथ्यों और सिद्धांतों को हमारे जीवन के बाकी हिस्सों से अलग नहीं सीखते, जीवन के साथ ही सीखते हैं, जब अलग नहीं सीखते तो दो नेगेटिव आ गए, दैट इज वाई ये पॉजिटिव है, इसके अर्थ को समझ लेना है आपने। अच्छा, टीचर अलाउ द पेयर्स ऑफ स्टूडेंट टू टीच ईच अदर, ये देखिए, जब टीचर ऐसे कहता है कि आप दो दो जोड़े बना लो, जहां तीन तीन के ऐसे ग्रुप बना लो, तो उनको कहता है कि आप आपस में एक दूसरे को टीच कर सकते हो। दिस इज इंप्लीकेशन ऑफ वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इंटर सब्जेक्टिविटी और स्कैफोल्डिंग। तो कोऑपरेटिव लर्निंग का ये पार्ट है, ये हमेशा ठीक होगा। इन तीन का छोटा ग्रुप है, इनको लर्न करने के लिए, टीच करने के लिए कहा जा रहा है, बिल्कुल ठीक होगा, है ना। गलत क्या होगा, प्रोवाइड द वन राइट आंसर, ये हमारी अप्रोच है, टीईटी की अप्रोच है, जो हम कोचिंग भी दे रहे हैं, ये राइट है, ये राइट है, ये राइट है, ये भी जो बता रहा हूं कि ये राइट होगा, ये भी उधर वाले जो अप्रोच है, लेकिन माना सही थ्योरी में ये सही माना जाएगा। अच्छा, टीचर सीक्स एंड वैल्यू ऑफ स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी गुड, वेरी गुड। वो टीचर अच्छा है जो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू को, पर्सपेक्टिव को देखता है, सुनता है, समझता है और नॉलेज में शामिल करता है। अगर बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू रियलिटी से बहुत दूर का है, तो क्रिटिकल क्वेश्चनिंग करता है, सीधा आंसर नहीं देता, क्वेश्चनिंग करके उनको फिर सोचने के लिए मजबूर करता है, और बच्चा फिर सोच के राइट आंसर की तरफ आता है। तो ऐसे पर्सपेक्टिव की रिस्पेक्ट करनी है, ये राइट आंसर होगा। क्लासरूम एक्टिविटी चैलेंज स्टूडेंट अजम्पशंस, हाँ, ऐसी
क्लासरूम एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करता है एक टीचर जो बच्चों की अजम्पशन को चैलेंज करे। अभी जो मैंने बात की वो ऐसे क्वेश्चन रखेगा टीचर, एक अच्छा ऐसे क्वेश्चन रखेगा कि जो बच्चे सोचते थे एक रियलिटी, एक कंसेप्ट, एक टॉपिक के बारे में, है ना, कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं, अगर बच्चों की ऐसी कोई धारणा बनी है तो मान लीजिए एक क्लासरूम में लड़के ये समझते हैं कि लड़कियां ये काम नहीं कर सकती और उसी टीचर ने उसी क्लासरूम में लड़कियों से वो काम करवा दिया जहां ये एक्सरसाइज दी और बच्चियों ने अच्छा कर दिया, तो उनकी अजम्पशन चैलेंज हुई है, है ना। तो ऐसा टीचर बेटर होगा। टीचर पोज प्रॉब्लम्स, नई प्रॉब्लम आगे रखता है, नई प्रॉब्लम आगे रखने वाला, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, केयरफुली कि प्रॉब्लम आगे रखनी है या प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व बच्चे ने ही करनी है, बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व करने में टीचर ने हेल्प करनी है, और नई प्रॉब्लम आगे रखोगे तो नया जो विचार है, नई थिंकिंग है और नए आंसर ढूंढेंगे बच्चे, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ रेलेवेंस जो लाइफ से रिलेटेड होगी। टीचर बिल्ड लेसन अराउंड बिग आइडियाज, थीमेटिक अप्रोच, थीमेटिक अप्रोच भी है जो बिग आइडियाज लेके जाते हैं, होलिस्टिक अप्रोच है हमारी, तो टॉपिकल अप्रोच है ना, जहाँ से टॉपिकल अप्रोच गलत आएगी अगर आती है। अच्छा, टीचर असेस लर्निंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेली टीचिंग, है ना, उसी कॉन्टेक्स्ट में जनरलाइज्ड टेस्ट जो है, अचीवमेंट टेस्ट, कॉमन टेस्ट फॉर ऑल, ये नहीं लगाए जाएंगे, कॉन्टेक्स्ट में, सिचुएशन में, कॉन्टेक्स्ट मीन उसी सिचुएशन में बच्चा कैसे परफॉर्म करता है ये देखा जाएगा। ऐसा टीचर अच्छा होगा जो कॉन्टेक्स्ट को प्रेफर करता है। अच्छा, विद्यार्थियों की जोड़ियों को एक दूसरे को पढ़ाने देगा, ये राइट आंसर होगा। शिक्षक छात्रों के दृष्टिकोण की तलाश करते हैं और उन्हें महत्व देते हैं, बात हो चुकी है, गुड। कक्षा की गतिविधियां छात्र धारणाओं को चुनौती देती हैं, चैलेंजिंग मेन टर्म है, है ना। शिक्षक प्रासंगिक प्रासंगिक इंपॉर्टेंट है की समस्या प्रस्तुत करता है, शिक्षक ने समस्या को आगे रखना है, नई समस्या देनी है, पीछे बात कर आए हैं। शिक्षक बड़े विचारों के इर्द गिर्द, बड़े विचारों के इर्द गिर्द, जहां थीमेटिक की बात की गई है ना, तो उसके इर्द गिर्द एक्टिविटी रखेंगे। टॉपिक ओरिएंटेड, वन लेसन ओरिएंटेड टीचिंग लर्निंग को प्रेफर नहीं किया जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और लर्निंग थ्योरीज, इवन करिकुलम फ्रेमवर्क, शिक्षक दैनिक शिक्षण के संदर्भ में सीखने को आंकलन, दैनिक शिक्षण के संदर्भ में, ये रहा फिर संदर्भ आ गया, है ना, आंकलन करते हैं। तो ये सारे राइट आंसर होंगे। करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? थ्रू सपोर्टिव क्वेश्चनिंग, सपोर्टिव शब्द बहुत है जो कोलैबोरेटिव लर्निंग या वाइगोत्स्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी, क्वेश्चनिंग, सपोर्टिव क्वेश्चनिंग, टीचर कैन गेट स्टूडेंट टू कम्युनिकेट व्हाट दे थिंक एंड व्हाई। ये देखिए बहुत जरूरी है कि इसको इजी समझना है तो ये डिस्कशन की तरह हो गया। जब बच्चे कोई काम करते हैं, 5E मॉडल आपने पढ़ा होगा, 5E मॉडल में, 5E मॉडल में बच्चे एंगेज हो जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लोर क्या करते हैं, वो खुद नॉलेज बनाते हैं, नए आइडिया ढूंढते हैं। तब जब नए आइडिया उन्होंने ढूंढ लिए हैं तो टीचर पूछेगा आपने क्या ढूंढा है, ये वो बात हो रही है कि उनकी थिंकिंग को एक्सप्रेस करने का मौका देगा, और आप ऐसा क्यों सोचते हो, जो भी वो जवाब देते हैं ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। जैसे कोहलबर्ग ने अपने जो डायलेमा था, हैंज डायलेमा था, उसमें पूछा था अगर चोरी करनी है तो क्यों, नहीं करनी तो क्यों, क्यों इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रीजन जो सोच लिया आंसर है उसका रीजन यहां फाइंड आउट होता है। तो ऐसी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस प्रेफर की जा रही है और ऐसा टीचर प्रेफर किया जा रहा है। तो ये बात है एक्सप्लेनेशन की, 5E में 3E एक्सप्लेनेशन, पीछे वीडियो में जो आगे हम बात करके आए हैं उनके लिंक नीचे दिए गए होंगे। स्टूडेंट आर एनकरेज टू एक्सप्लोर, है ना, 5E का सेकेंड ई एक्सप्लोर ही है। एक्सप्लोरिंग ए कंप्लेक्स रियल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड जहां भी आता है राइट आंसर होगा, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम,
किताबी प्रॉब्लम नहीं अब चलेंगी, अलाउ स्टूडेंट टू एंगेज विद द मटेरियल, है ना, रियल वर्ल्ड, उनके जो लोकेलिटी है वहाँ की प्रॉब्लम हो सकती है, स्कूल की प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी जहाँ पर जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वहाँ की प्रॉब्लम हो सकती है, घर की प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये ऐसी प्रॉब्लम होंगी जो बुक्स ओरिएंटेड प्रॉब्लम है उसको डिस्करेज किया जाएगा। हालांकि रियलिटी में क्या होता है आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, थोड़ा चेंज तो आएगा ये बात है, लेकिन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, प्रोजेक्ट को तो छोड़ना ही नहीं है, हमेशा ही राइट आंसर ओरिएंटेड रहना है प्रोजेक्ट के। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीट होगा, है ना, परियोजनाओं पर आधारित, है ना, पूछताछ पर आधारित शिक्षा, एंगेज द स्टूडेंट बाय मेकिंग रियल वर्ल्ड, फिर आ गया ना कनेक्शन थ्रू द एक्सप्लोरेशन एंड हाई लेवल ऑफ क्वेश्चनिंग, क्वेश्चनिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्विज है, रोल प्ले है, ग्रुप वर्क है, पोर्टफोलियो है, ये सारे ही प्रेफर्ड राइट वर्क है। जो टीचर ऐसा करवाता है, एक्टिविटीज करवाता है, वो बेटर टीचर माना जाता है ना। क्विज है, रोल प्ले है, ग्रुप वर्क है, पोर्टफोलियो आदि है, राइट आंसर। पेडागोजी अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंटल लेवल ऑफ लर्नर, प्याजे की बात है ये, प्याजे ने डेवलपमेंटल लेवल, उन्होंने चार लेवल बताए थे ना, यहाँ पर थोड़ा सा बता दूं, बार बार वैसे बताया हुआ है, लेवल एक, लेवल एक, लेवल टू, लेवल थ्री, लेवल फोर, है ना। तो अब अगर लेवल फोर पर बच्चा पहुंच गया है तो उसको लेवल फोर की पैडागोजी, उसकी टीचिंग लर्निंग जो थीम है, बिग आइडिया इस लेवल के हो, जब कंक्रीट लेवल पर है तो उसके एब्स्ट्रैक्ट ना हो, उसके पैडागोजी के कंसेप्ट जो पढ़ाने हैं वो कंक्रीट मटेरियल से ही पढ़ाए जाएं, ये है पैडागोजी, इसका मतलब है शिक्षार्थियों को विकासात्मक स्तर के अनुसार शिक्षा शास्त्र, प्याजे की इम्प्लीकेशन है। एनकरेज क्वेश्चनिंग बाय लर्नर, ये रिपीट हो चुका है, जो प्रश्न पूछने को उत्साहित करना है। रिकॉग्नाइजिंग द एफर्ट्स ऑफ लर्नर, जैसे पर्सपेक्टिव को रिकॉग्नाइज करना है ना, वैसे ही एफर्ट्स को भी, कोई भी बच्चा है उसने रॉन्ग किया ये नहीं देखना, उसने एफर्ट किया ये देखना है, एफर्ट को शाबाश मिलनी है, इस तरह है प्रयासों को शाबाश मिलेगी, प्रयास राइट है रॉन्ग है ये बाद की बात है, वो फर्दर क्वेश्चनिंग के साथ अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाया जाएगा। बिलीव दैट ऑल कर्नल, प्लीज इसको प्लीज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूएनओ की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के एलिमेंट्री टीचर या स्कूल टीचर जो हैं लार्जली ये बिलीव कर रहे हैं कि कम्युनिटी के ये वर्ग, फॉर एग्जाम्पल लड़कियां ये नहीं सीख सकती, ये रिजर्व कैटेगरी वाले ये नहीं सीख, ऐसे विश्वास रखते हैं, ये विश्वास नहीं रखना। कोई बच्चा अपनी कास्ट, रिलीजन, जेंडर के कुछ भी सीख सकता है और ये सच है, इसको मान के चलना है। तो दैट अगर टीचर बिलीव करता है कि सारे बच्चे लर्न कर सकते हैं, दैट इज बेस्ट। फ्रीडम टू लर्न, अटोनमी टू ऑफ लर्नर, है ना, बच्चे को लर्ने की फ्रीडम दी जाए, हमारे क्लासरूम में नहीं दी जाती, यहाँ पर ये पॉजिटिव है। विश्वास के सभी बच्चे सीख सकते हैं, वेरी गुड। शिक्षार्थी को स्वायत्तता दी जाए। हैंड्स ऑन एक्टिविटी विद थिंकिंग, दो बातें हैं, एक्टिविटी भी है, डूइंग भी है, थिंकिंग भी है, कॉग्निटिव एंड कॉग्निटिव दोनों को मिलके चलना है, गतिविधियां और सोच इनको साथ साथ में लेके जाना है, होलिस्टिक अप्रोच यही होती है। आगे चलते हैं, वो टीचर अच्छा है जो डाइवर्जेंट थिंकिंग को प्रमोट करता है, अलग सोच को, है ना, डाइवर्जेंट थिंकिंग है, विभिन्न दिशाओं में सोचते हैं, जब एक प्रॉब्लम जिसके मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के अपने एक्सपीरियंस पर सोचना, जो एक्सपीरियंस हुआ मुझे कि ये अच्छा लगा, इसमें क्या गलतियां हुई, इसमें क्या मेरे पॉजिटिव पॉइंट थे, मैंने कौन सी स्ट्रेटजी से अच्छा लर्न किया, बेशक साइकिल चलाना सीख रहे हैं, बेशक टेक्स्ट कोई एक पैराग्राफ है, एक टेक्स्ट है रीड कर रहे हैं, बुक रीड कर रहे हो, वो कुछ भी है, उस पर सोचना कि मैंने क्या ठीक किया, क्या गलत किया, आगे से क्या ध्यान रखना है, ये रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है। लॉजिकल थिंकिंग के कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करने वाली थिंकिंग। इंट्यूटिव थिंकिंग, ब्रूनर ने इसकी बात की है, ब्रूनर ने इसकी इंपॉर्टेंस दी है, इसके बिना बच्चा कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज नहीं कर सकता। ये इंट्यूटिव बीन के बच्चे की फीलिंग के बेस पर, उसको लगता है कि ये ठीक होगा, है ना, उसको सोचने दो, उसको करने दो, वो खुद ही लॉजिकल थिंकिंग
के साथ जो आगे रिफ्लेक्शन या लॉजिकल थिंकिंग होगी उसके साथ वो रियलिटी की तरफ बढ़ेगा। लेकिन ये अलाउ करना है लेटरल थिंकिंग, ये क्रिएटिविटी के लिए अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ये थिंकिंग हेल्प इन क्रिएटिविटी, तो अगर दो ऑप्शन हैं उनमें से ये ठीक होगा। नंबर एक डाइवर्जेंट, ये बार बार आता है, लेटरल इसको ट्रिपल टिक कर रहा हूँ, क्रिएटिविटी के साथ ये है, बाकी क्रिएटिविटी के साथ कम है, यहाँ ये भी थोड़ी सी क्रिएटिविटी के साथ। हिंदी में देख लीजिए, अच्छा टीचर ने एग्जाम्पल देनी है, एग्जाम्पल की बार बार बात आएगी, वास्तविक जीवन की होगी बहुत ज्यादा। वास्तविक जीवन क्या है, बच्चा जो जीवन जी रहा है, बच्चे ने कभी कार नहीं देखी, चलाई नहीं है, आप कार चलाने के एग्जाम्पल नहीं दोगे, बच्चे ने साइकिल चलाया आप साइकिल की एग्जाम्पल दोगे, बच्चे के घर की एग्जाम्पल दोगे, वो यहाँ काम करता है उसकी एग्जाम्पल दोगे। वो फिल्म थी ना एक, राइट टू एजुकेशन पर बनी, याद नहीं आई, चलो मल्टीपल एग्जाम्पल, एक कंसेप्ट को टीच करने के लिए जो बुक में एक एग्जाम्पल दे दी गई है कभी भी सफिशिएंट नहीं होती, आप बुक से अलावा बच्चे को लाइफ से एक से ज्यादा एग्जाम्पल दो, मल्टीपल एग्जाम्पल राइट आंसर होगा। सफिशिएंट एग्जाम्पल के ये दो, ये मल्टीपल कहा था, दो एग्जाम्पल दे दी, नहीं सफिशिएंट और वैरायटी की, जैसे यहाँ लिख रहा हूँ किसी एम कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल में सफिशिएंट और लार्ज नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स बच्चे के सामने रखी जाती हैं। ये भी ब्रूनर की, ब्रूनर ये और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैम का मॉडल किसने दिया, जेरोम ब्रूनर ने, एग्जाम्पल फ्रॉम पर्सनल एंड फैमिली लाइफ, है ना, ये उसे भी ऊपर बात हो चुकी है, लिंकिंग न्यू नॉलेज विद स्टूडेंट लाइफ, प्याजे प्याजे की स्कैमा, स्कैमा को यूज करना है, प्रीवियस नॉलेज से न्यू नॉलेज को जोड़ना, तो ये पर्याप्त उदाहरण हो गई, ये हिंदी में आप यहां से डिलीट कर लीजिए। हाँ बच्चे, टीचर ने यूज क्या करना है जब टीचिंग करना है, मल्टी सेंसरी, सिंगल सेंस हम यूज कर रहे हैं, नॉर्मली क्या हो रहा है कि टीचर है बोल रहा है और बच्चा जो है यहाँ बैठा सुन रहा है, इनको यूज कर रहा है सिर्फ, है ना, सिंगल सेंस जो हो रही है, अधिक से अधिक कभी कभी वो विजन है देख लेता है, बोर्ड को देख लेता है, ऐसे बोर्ड तो अभी आ भी गए हैं तो चलेंगे, पता नहीं कब चलेंगे, कब यूज होंगे, तो जो तारे जमीन पर है आप याद कीजिए, वो तीसरी सेंस यूज करता है, ईशान के यहां पर लिखता है ऐसे, वो पहचानता है कि डी लिखा है, ये पी लिखा है, है ना, तो ये मल्टी सेंसरी अप्रोच है कि पांच सेंसेस हैं, कोशिश करनी है मैक्सिमम यूज हो तो नॉलेज जो है रिचड होती है। अच्छा डायरेक्ट एक्सपीरियंस देने हैं, डायरेक्ट टीचिंग अगर आ जाता है वो गलत होगा, एक्सपीरियंस है तो डायलॉग, एक दूसरे बात करनी, इंटर सब्जेक्टिविटी, वाइगोस्की का कंसेप्ट है, रेसिप्रोकल टीचिंग, ये दो बच्चे मिलके जब टेक्स्ट पढ़ते हैं, है ना, तो वो जो मेथड है वाइगोस्की द्वारा दिया गया उसको बड़ा उत्साहित किया गया है, अलग से वीडियो इस पर बना दूंगा। अच्छा मल्टीपल लर्निंग, हिंदी में आप ये देख सकते हो, संवाद है, अंतर व्यक्ति परकता है, पारस्परिक शिक्षण है, तो रॉन्ग क्या होगा, इमिटेशन नकल करना रॉन्ग होगा, इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन देना, ये भी वन वे प्रोसेस है, ऐसे टीचर ऐसे स्टूडेंट वन वे प्रोसेस, लेक्चर वन वे प्रोसेस, डिस्क्रिप्शन वन वे प्रोसेस, टीचिंग वन वे प्रोसेस, लर्निंग हैज प्रीवियस एक्सपीरियंस इज नॉट टेबुला रासा ब्लैंक स्लेट, ये मानना कि बच्चे के पास पिछले अनुभव नहीं है, वो टेबुला रासा, ये लॉक हॉब्स लॉक, लॉक ने कहा था कि माइंड इज टेबुला रासा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टेबुला रासा का मतलब है ब्लैंक स्लेट, कि बच्चा जो जन्म लेता है उसके मन में कुछ नहीं होता, एक्सपीरियंस से लिखा जाता है, तो जो एक्सपीरियंस ने जब वो स्कूल में आया है तो प्रीवियस एक्सपीरियंस लिखा हुआ है ना, तो टीचर को वो यूज करना है, अगर ये सोचते हो कि प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है बच्चे के पास, नए ही होंगे, तो ये गलत होगा। कंडीशनिंग वाली जो पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग या ऑपरेंट कंडीशनिंग है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन पीछे बात हो चुकी है, हैबिट लर्निंग, ये पुअर या डिस्करेज की गई है, रॉन्ग आंसर होता है, हिंदी में आप यहां से पढ़ लीजिए। हाँ शिक्षार्थी वयस्क से गुणात्मक रूप में भिन्न सोचता है, वह लघु वयस्क नहीं होता, इसको समझ लीजिए, जो छोटा बच्चा है वो क्वालिटेटिवली डिफरेंटली सोचता है अडल्ट से, है ना, ही इज नॉट मिनिएचर अडल्ट, ये कोटेशन
इसको प्याजे के साथ जोड़ के ये सीधी भी पूछ ली जाती है। अगर ऐसा आता है, ये स्टेटमेंट रिपीट हुई है टीईटी में, ऐसा लिखा हुआ होता है, तो उसको चुनना है कि यस ये दिस इज राइट, क्योंकि ये फंडामेंटल थ्योरिस्ट ने दी हुई है। रिस्पॉन्सिबल लर्नर, ये टीचर भी रिस्पॉन्सिबल लर्नर होना चाहिए, टीचर को रिस्पॉन्सिबल लर्नर बनाने हैं तो ये दोनों ही ठीक होंगे। स्टेटमेंट बड़ी बार आई है कि लर्नर, जब कोई बच्चा फेल हुआ है तो राइट आंसर उसमें क्या होता है कि लर्नर नहीं फेल हुआ, सिस्टम फेल हुआ है। एजुकेशन में कमी, स्कूल में कमी, टीचर में कमी, प्रिंसिपल में कमी, उसमें कमी है, है ना। तो वो राइट आंसर होगा कि सिस्टम फेल हुआ है, बच्चा कभी फेल नहीं होता। ये बिलीफ लेके नहीं चलना कि बच्चा फेल हो सकता है, हमारी टीचिंग लर्निंग में एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने में कमी रही होगी। अच्छा, टीचर जो है टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी रखता है, फ्लेक्सिबल लाइन बिटवीन सब्जेक्ट, इतना रिजिड नहीं होता, मतलब एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के रिलेशन में पढ़ा सकता है। एक सब्जेक्ट को टीच करने के लिए, फॉर एग्जांपल बच्चा टीचर मैथ्स पढ़ा रहा है तो वो साइंस वाले का पॉइंट ऑफ व्यू ले सकता है, मैथ को साइंस के साथ जोड़ के थीम को पढ़ा सकता है। प्रोजेक्ट लर्निंग से दो तीन चार जो सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं वो इकट्ठे करके पढ़ा सकता है, इसलिए वो रिजिड लाइन नहीं सब्जेक्ट के बीच में रखेगा। 2020 ने भी कहा है नीड बेस्ड लर्निंग है, ये बिल्कुल ठीक होगा, रिपीटेड है। आइडेंटिफाई लर्निंग गैप्स है, बार बार 2020 पॉलिसी में बात हुई है। फोकस ऑन लर्निंग एंड टीचिंग, फोकस ऑन लर्निंग, लर्निंग पर ज्यादा फोकस होगा ये बात है, टीचिंग पर कम होगा। रॉगर्स ने भी यही कहा था, मैस्लो रॉगर्स, ये ह्यूमनिस्ट हुए हैं। सेटिस्फाइंग माई क्रियोसिटी, ये इंपॉर्टेंट है, बच्चे की कोई भी क्रियोसिटी है, लेसन प्लानिंग उसके इर्द गिर्द होगी, है ना। जिज्ञासा राइट आंसर, यस टोटल, वैसे ये वर्ड अब तक आया नहीं है लेकिन डीप लर्निंग पर जोर दिया गया है, इसके विरुद्ध में जो सरफेस लर्निंग है जिसे क्रैमिंग बोल देते हैं, वन वे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बोल देते हैं, वो सारा कुछ गलत होगा। ये जो रिफ्लेक्टिव लर्निंग है, डीप लर्निंग है, ये राइट आंसर। ये वीडियो टीचर पर था, लेकिन करिकुलम है, डिसिप्लिन है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, लर्नर है, इन पर डिफरेंट वीडियो हैं कि नेशनल पॉलिसी ने, पोजीशन पेपर ने, करिकुलम फ्रेमवर्क ने और लर्निंग थ्योरीज ने कौन से वर्ड्स बार बार यूज़ किए हैं जो आपको टेट में सक्सेस या स्कोर बढ़ाने के लिए हेल्प कर सकते हैं, करेक्ट ऑप्शन लिखने फाइंड आउट करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। तो आप ये एक मैंने प्लान किया है टेट बेसिक कोर्स, अगर आपके पास टाइम कम है आप लर्न टू एक्चुअलाइज में यहाँ पर एंटर होंगे, लर्न टू एक्चुअलाइज प्ले लिस्ट में जाएंगे, प्ले लिस्ट में जाने के बाद आप ये टेट बेसिक कोर्स है, ये रहा, है ना। इसमें ऐसी वीडियो हैं, वो वीडियो जिससे ये देखिए, जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन, राइट वे क्या है कि आपको नॉलेज जब नहीं है, रीजनिंग काम नहीं कर रही, तो राइट करेक्ट ऑप्शन पर कैसे पहुंचना है। एक तो ये टैग वर्ड वाली जो है स्ट्रेटजी, ये अप्लाई करनी है। उसके बाद फाइव स्ट्रेटजीज जो है लॉजिकल स्ट्रेटजी हैं, छह स्ट्रेटजी प्रोबेबिलिटी बेस्ड स्ट्रेटजीज हैं एमसीक्यू को सॉल्व करने की, उसके अलावा रैंडम स्ट्रेटजीज भी हैं। ये तीन चार वीडियो इस पर होंगे, एक वीडियो होगा कि आपने एग्जाम में जब बैठना है तो किन बातों का ध्यान रखना है। इसके अलावा प्रीवियस पेपर के साथ इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज करवाई जाती है, अगर आप चाहते हो जुड़े रह सकते हो। ये वीडियो या ये कोर्स जो है टेट बेसिक कोर्स, अगर आप एक बार ट्राई करके देखो तो बेटर अचीव कर सकते हो। लर्न टू एक्चुअलाइज, डॉक्टर तीर सिंह, थैंक यू।